अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह के फजल से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अब ईद के अंदर सिर्फ 1 or 2 days रह गए हैं। एक्सपेक्टेड जो है वो ईद फ्राइडे को है और मे बी ऑन सैटरडे। लेट्स सी के किस दिन जो है वो ऐलान होता है। मैं भी आपसे शेयर करने जा रही हूँ कुछ हॉल्स जो कि मैंने प्राइमार्क H&M से और अभी गैप से मैंने ऑर्डर किया था प्राइमार्क। और इसके अलावा मैं आपको शो करूँगी कुछ मेरी ईद के लिए शॉपिंग जो कि मैंने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर की और कुछ पाकिस्तान से मंगवाई है। इसलिए जो है वो मैं प्राइमार्क गई थी और H&M गई थी क्योंकि घर में पहनने के कपड़े मेरे ख़्याल में उधर ज़रा बेहतर मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर शॉप्स। ये मेरा अपना ख्याल है। SW मुझे कभी आजकल लगने लगा है कि बहुत महंगा हो गया है। तो ये कुछ जो है वो फ्रॉक्स और ये ट्राउज़र जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, £5 का मुझे मिला, लेकिन ये कि बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है। और ये मैं ऐसे मैंने दो लिए थे, एक पिंक कलर में है और एक ब्लू कलर में है, जो मोस्टली जो शर्ट्स जो उनकी होती हैं जो कि 1.5 pound की शर्ट्स होती हैं उनके साथ जो है वो जा रहा था। तो ये मैंने लिया। ये एक फ्रॉक थी और ये कुछ टी शर्ट्स जो कि वो पहन भी चुकी है घर में, डैडीज़ लिटिल लव। मेरे हस्बैंड तो उसको देख के जो है वो बस बाग बाग हो गया था। उन्हें सैंडल्स मिली जो कि उसके ईद के ड्रेस के साथ भी जा रही थी और ये आई थिंक 6 pound की थी। ओके, इसका टैग जो है वो मैंने बहुत एसेंशियल चीज़ें जो हैं वो ये सब ऑनलाइन ऑर्डर किया है, जैसे कि ये ट्राउज़र, वो क्रिकेट खेलने भी जाती है तो उसके पास जो है वो दो ही ट्राउज़र थे जो आप सोच सकते हैं कि वो उनका क्या ही नज़र आ गई, अच्छी प्राइस पे मिल गई। तो मैंने जो है वो ये जो है वो ऑर्डर कर ली। अपने बेटे के लिए कुछ जो है वो टी शर्ट्स ऑर्डर कर ली। गैप पे अभी जो है वो सेल लगी हुई थी तो इसलिए जो है वो हमने कहा कि चलिए जो है वो एक ऑर्डर कर लें। ये टॉप लगा हुआ था गैप का, शो करना चाहूँगी वो ये है कि ये बहुत ही खूबसूरत चप्पल, आई थिंक ये 11 pound में थी, मुझे प्राइस सही से याद नहीं है, सॉरी, और टैग इन पे लगे हुए नहीं है। तो ये मैंने अपनी बेटी के लिए एक और ऑर्डर की थी कि जो है वो उसके ड्रेसेस के साथ ये बहुत अच्छी जाएगी, लेकिन मेरी बेटी कंप्लेन कर रही है कि उसको यहाँ से जो है वो पाँव में हार्ड लग रही है। मैंने शूज़ ऑर्डर किया था जो कि साइज़ 4 है। H&M मैं गई थी अपने लिए अपनी बेटी के लिए, लेकिन ले मैं जो हूँ वो अपने लिए आई। वहाँ पे मुझे बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिली जो मैं ले आती। तो एक ये लॉन्ग ड्रेस है जो कि नी से भी के हद पे से ज़्यादा लॉन्ग है, नी से। एक मुझे पिंक स्कार्फ की ज़रूरत थी तो ये मैंने ये लिया। ये 4 pound का है। ये है जो कि मैं अभी इस वक्त जो है पहनी हुई हूँ जीन्स के साथ। ये मैंने एक और बेसिक टी शर्ट जो मैंने H&M से ली थी वो ये है। ये भी 3 pounds में थी। इसके आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी फ्लेयर जो है वो स्लीव है। मैंने ये ऑर्डर की थी कुछ अरसे पहले, कुछ बल्कि मंथ्स बिफोर, मे बी इन नवंबर और समथिंग, फ्रॉम रिवर आइलैंड। सही से याद नहीं है कि आई थिंक इट वाज ओरिजिनली 55 pound, पर मुझे शायद ये 15 or 17 की पड़ी थी। तो मैंने कहा कि मुझे ये ऑर्डर करनी चाहिए। फिर मुझे ये लगा कि मैं अगर बेसिक कोई ब्लैक कलर का कुर्ता ले लूँ, लॉन्ग कुर्ता, तो जो है वो उसके साथ भी ये बहुत अच्छी जाएगी। जहाँ तक पाकिस्तान से मैंने बात की कि मैं पाकिस्तान से जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ फॉर जो है वो शलवार कमीज़ और ईस्टर्न ड्रेसेस, क्योंकि मैं UK में जिस जगह रहती हूँ वहाँ से ईस्टर्न या इंडियन बाज़ार या पाकिस्तानी बाज़ार जो हैं वो बहुत दूर हैं। ये होता है कि जो है वो आपके पास सिर्फ स्पेसिफ़िक कुछ ब्रांड्स हैं जिनसे आप ऑर्डर कर सकते हैं, बाकी लोग डिलीवरी नहीं कर रहे। अच्छा, अभी जो वेबसाइट है वही UK के लिए ब्लॉक कर दी है, तो मुझे बिल्कुल भी जो है वो ये बात समझ में नहीं आई।
मैंने उनकी कस्टमर सर्विस को मेल भी किया है, मैंने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उन्हें मैसेज करने की कोशिश की है, ट्विटर को भी से भी एक्सेस करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे उनका कोई जवाब नहीं मिला. आई डोंट नो व्हाई. जो है ठीक है, आप नहीं यूके डिलीवर कर रहे लेकिन अपनी वेबसाइट क्यों ब्लॉक कर रहे हो, ये बात मेरी समझ में नहीं आई. और मेरे ख़्याल में तो उनका बिज़नेस ही हो रहा था, क्योंकि मैंने भी जो है वो यूके से बैठ के पाकिस्तान में ही डिलीवरी करवाई. पैसे तो रहे हैं उसमें, मुझे नहीं समझ में आया कि उनका क्या नुकसान हो रहा है या इसके पीछे क्या वजह थी. मेरे ख़्याल में तो हम उन्हें एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए. एक और ये ड्रेस था, ये खद्दर का ड्रेस है, ये अनस्टिच था जो कि मैंने उनके उनको डिलीवर करवा दिया था, तो उन्होंने मुझे स्टिच करवा के जो है वो भिजवा दिया. एक और मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी मैंने जो है वो अनस्टिच ऑर्डर किया था. इसकी आप स्लीव्स पे देख सकते हैं कि थोड़ी सी जो है वो एम्ब्रॉयडरी जो है वो हुई हुई है. इसका दुपट्टा भी है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैंने कहा नॉर्मल पहनने के लिए, घर में पहनने के लिए जो है वो, या आप किसी के घर जा रहे हों मिलने के लिए. वो जो मैंने ड्रेसेस दिखाए थे खादी के, वो मैंने पाकिस्तान में जो है वो डिलीवर करवाए थे, क्योंकि खादी यूके में डिलीवर नहीं करता. बाकी जो मैं अब दिखाने लगी हूँ वो ड्रेसेस मैंने यूके डिलीवर करवाए हैं. ये जो बहुत प्यारा सा येलो कलर का ड्रेस है, उसके ऊपर अच्छी खासी एम्ब्रॉयडरी भी हुई हुई है साइड में, और नीचे जो है वो नेट जो है वो लगी हुई है. ये मैंने सना सफ़ीना से ऑर्डर किया था. सना सफ़ीना के बारे में मेरा जो थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस वो हुआ कि आप जब उनकी वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो नीचे एक चैट का ऑप्शन, ज़्यादातर जो जो भी रिटेलर्स हैं उनके ऊपर एक चैट की जो है वो विंडो ओपन होती है. मैंने उनके थ्रू जो है वो सब पहले उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, तो मुझे अनफॉर्चुनेटली कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि वो यूके डिलीवर करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि वो एड्रेस मेरा एक्सेप्ट कर रही थी उनकी वेबसाइट, लेकिन जब शिपिंग मेथड जो है वो लिखा हुआ आ रहा था वो नेशन वाइड डिलीवरी आ रहा था, तो मैं उससे कंफ्यूज हो रही थी कि ये क्या हो रहा है, क्या मैं पेमेंट करूं या ना करूं, तो उस सिलसिले में मैं उनसे बात करना चाह रही थी. बहरहाल इस बात को भी टाइम हो गया. अब चैट के थ्रू, ईमेल के थ्रू मुझे रिप्लाई नहीं आया, तो मैंने उनको उठा के कॉल की एंड आई वाज अ लिटिल पिस्ड ऑफ, क्योंकि मैं काफ़ी देर से उन्हें मैसेज कर रही थी और उनके पास से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, तो थोड़ी सी मेरी टोन जो है वो थोड़ी सी पिस्ड ऑफ वाली हो गई थी, थोड़ी सा आई वाज नॉट लाउड बट एनीबडी कैन फील के आई एम नॉट फीलिंग वेल. तो खैर जो उधर से जो है जो कस्टमर सर्विस वाले बंदे ने पिक किया था, ही वॉज़ अ नाइस गाय. शुरू में तो वो भी थोड़ा सा जो है वो नाराज़ से हो गए थे, लेकिन बहरहाल उसने मेरी हेल्प की और मेरी बात सुनी और उसने मुझे अच्छे से गाइड भी किया कि जो है वो मैं ऑर्डर प्लेस कर दूं और मेरे जो अमाउंट है वो भी ऑटोमेटिकली जो है वो पाउंड्स में ही डिटेक्ट होगी, ना कि पाकिस्तानी रुपीज़ में. और दूसरा ये कि एक और गलती मैंने कर दी थी, मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने जो है जो एड्रेस दिया था, पता नहीं क्या हुआ कि जब वो ऑर्डर प्लेस हो गया और मेरे पास कंफर्मेशन की ईमेल आई, तो उसके अंदर जो है वो मेरा एड्रेस जो है वो स्ट्रीट नेम मेरा आ ही नहीं रहा था, सिर्फ हाउस नंबर आ रहा था. तो जो है वो मैंने दोबारा जो है वो उनको ईमेल भी किया, उनको कॉल भी किया, तो जो है वो उन्होंने उस चीज़ को भी बहुत अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट कर दिया और जो है वो डिलीवरी मेरे पास पहुंच गई. तो ये मैंने उनके पास से उनकी एम्ब्रॉयडरी कलेक्शन में मेरे ख्याल से मैंने ऑर्डर किया था और इसकी प्राइस थी 3,190. तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. इसके साथ मैंने जो है वो पेयर किया है गरारा पैंट्स को, जो कि इसी कलर की एम्ब्रॉयडरी कलर की फ़ॉन कलर की जो है वो ट्राउज़र है. एक और जो मैंने उनकी ऑर्डर किया था वो ये है. It was really looking beautiful in the picture. And जब ये मेरे पास आई तो मुझे लगा कि वाकई it's really beautiful. ये भी मेरे ख़्याल में उनके ये उनकी premium embroidery collection में से है. Fabric इसका lawn है.
तो आप ये देख सकते हैं, मेरा इरादा यही है कि इसको मैं ईद के फर्स्ट डे शायद जो है वो पहनूं। इसके साथ मैंने क्रीम कलर का जो है वो ट्राउज़र जो है वो रखा है। मैं इसके साथ गरारा पैंट्स भी पहन सकती हूँ। ये ओपन शर्ट है एंड इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल। एम्ब्रॉयडरी देखें इसकी कितनी प्यारी है। अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने अलकरम से जो है वो ऑर्डर किया है, कुर्ता ऑर्डर किया है, रेडीमेड उनकी जो लाइन है उसमें से ये कुर्ता ऑनलाइन ऑर्डर किया था, जो कि मैंने यूके ही मंगवाया था। अच्छा, एक जो मैं बात नहीं समझ सकी हूँ अभी तक के, ये जो मुझे यूके में जब डिलीवरी होती है तो टैक्स जो है वो कंज्यूमर को, यानी जो परचेज कर रहा है उसी को जो है वो बेयर करना पड़ता है। मैंने जब सन्ना सफीना से ऑर्डर किया तो मुझे कोई भी टैक्स जो है वो पे नहीं करना पड़ा, उसकी वजह मुझे समझ में नहीं आई। हाँ, ये था कि क्योंकि ये मैंने सना सफीना से जो है वो 3 कुर्ते ऑर्डर किए थे। मैंने आपको 2 दिखाए हैं, एक मैं पहन चुकी हूँ, वो शायद वो उनकी बेसिक्स में से था। तो ये मैंने 3 ऑर्डर किए थे और इनका जो है वो मुझे क्यों टैक्स नहीं पे करना पड़ा वो मुझे समझ में नहीं आया। अलकरम को मैंने अभी रिसेंटली ऑर्डर किया है, ये मैंने मेरे ख़्याल में मुझे मंथ हुआ है ऑर्डर करके। इन्होंने उस टाइम पे डिलीवरी फ्री की हुई थी फॉर ऑल द कस्टमर्स, स्पेशली द वंस विच आर लिविंग अब्रॉड। तो मैंने जो है कहा कि अच्छा मौका है, आप जो है वो कुछ उनके पास से ऑर्डर कर लो, डिलीवरी नहीं देनी पड़ेगी, एटलीस्ट 2000 तो 2000 समथिंग तो आपको डिलीवरी देनी ही पड़ती है, डिपेंडिंग ऑन योर पैकेज साइज और वेट। तो ये मैंने ऑर्डर किया अलकरम से, लेकिन अलकरम का भी मुझे अलकरम का मुझे बॉक्स में ही डिलीवर हुआ था, तो इधर मुझे टैक्स देना पड़ा। सना सफीनास में मुझे टैक्स नहीं देना पड़ा। मैंने गुल अहमद से पिछले साल ऑर्डर किए थे और तकरीबन वो 10 ड्रेसेस होंगे, 10 ड्रेसेस का भी मुझे जो है वो टैक्स पे करना पड़ा था आफ्टर गिविंग द डिलीवरी एज वेल। एक और जो मैंने शर्ट उनके कलेक्शन में से ऑर्डर की, ये शायद उनका जो है वो ये थी, इसके ऊपर ये कॉटन नेट है और आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत जो है वो सिल्वर कलर का जो है वो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और स्लीव्स पे भी ये पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है हाफ स्लीव्स पे। और ये मैंने ऑर्डर किया, ये मुझे बहुत ही तस्वीर के अंदर अच्छा तस्वीर के अंदर, और आप ये देख सकते हैं कि बैक के ऊपर बटन की जो है वो डिटेल है। तस्वीर में मुझे अच्छा लगा था तभी मैंने ऑर्डर किया, लेकिन जब ये आया है मेरे पास तो मुझे और ज़्यादा इससे जो है वो यानी इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना अच्छा लगेगा देखने में, ये और भी ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने अलकरम से अपनी बेटी के लिए भी कुछ ऑर्डर किया था क्योंकि उसके पास बिल्कुल शलवार कमीज़ नहीं थे। मैंने कहा कम से कम जो है वो गर्मी हो रही है तो थोड़ी देर के लिए ही सही ये मेरी बेटी कुछ तो शलवार कमीज़ पहने, एटलीस्ट नमाज़ पढ़ने जाए तो जो है वो कुछ पहने शलवार कमीज़। तो ये एक मैंने उसके लिए बहुत ही प्यारा, आप ये देखें कितनी प्यारी इसके ऊपर छोटी छोटी बूटियाँ बनी हुई हैं, ये मैंने उसके लिए ऑर्डर किया था। इसके साथ दुपट्टा है पिंक चुन का, शलवार है, ये मैंने ऑर्डर किया और ये अराउंड ये पूरा सूट मुझे पड़ा है 2700 का। तकरीबन मेरे ख्याल में मैंने इसके पाउंड में शायद 17 पाउंड या 14 पाउंड जो है वो पे किया इसके लिए। ये वैसे तो जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, आई थिंक के 30-40 के अंदर इसकी, पाउंड के अंदर इसकी प्राइस है, लेकिन मैंने सिर्फ इसको शायद 21 पाउंड इसके पे किए हैं, ये सेल पे था उस टाइम पे। और एक और जो इसको ये 14 पाउंड की मुझे जो है वो पूरी, आप इसको एज अ फ्रॉक भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको एज अ जो है वो टॉप भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको जो है वो कुर्ते के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत प्यारी लग रही थी जो ऑर्डर किया कि ये दोनों ड्रेसेस के ऊपर जो है वो चली जाएगी, क्योंकि कुछ इसमें लाइट ब्लू भी है, कुछ डार्क ब्लू भी है, कुछ पिंक भी है,
का ड्रेस है, आप देख सकते हैं. आई लव द कलर, आई लव द एम्ब्रॉयडरी. मुझे बड़ी बड़ी एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती, बहुत कम किसी ओकेजन के ऊपर पसंद आती है. तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितनी नफीस जो है वो कढ़ाई हुई हुई है, बहुत ही नफीस काम है. बटन बहुत नफीस हैं, कलर बहुत प्यारा है. तो करते वो विद इन पाकिस्तान ही जो है वो डिलीवर करते हैं. ये मैंने मैं फैब्रिक के ट्राउज़र जो है वो रखवाया है. पिंक दुपट्टा इत्तफाकन मेरे पास जो है वो मेरे जहेज के कपड़े का एक टिशू का दुपट्टा जो है वो रखा हुआ था, तो मैंने कहा वो इसके ऊपर मैच कर जाएगा. आगा नूर जो है वो एक बहुत अच्छा जो है वो ब्रांड है, और इस तरह के उनके पास सिर्फ कुर्ते होते हैं, पूरे सूट जो है वो नहीं रखते वो लोग. लेकिन आई लव देयर कुर्ताज, उनका काम बहुत अच्छा होता है, फैब्रिक बहुत अच्छा होता है, और बहुत बहुत लाइट फैब्रिक है. ईद के लिए जो है वो, ईद के हवाले से मैंने कुछ जो है वो पाकिस्तान से ऑर्डर करके मंगवाए, कुछ जो है वो यहाँ यूके डिलीवर करवाए. ईद जो है वो बहुत अच्छी गुजरे. मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए, और प्लीज़ इनक्रेज कीजिए. थैंक यू वेरी मच.